ओके इंटरनेट ठीक है। तो ये हमने देख लिया, अभी किसी को डाउट है? कोई डाउट है पूछो। हाँ पूछिए पूछिए। हाँ जी सर, मेरे को सर एक चीज़ कंफर्म करनी थी। लाइक हाँ जैसे हमने बताया अपना इफ एंड एल्स की कंडीशन के अंदर, जैसे कि हाँ अगर पहली कंडीशन यहाँ पे इफ एल्स के अंदर सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब यही है कि वो दूसरी दो चेक नहीं करेगा, राइट? नहीं चेक कर। ओके राइट, बस ये मेरे को कंफर्म करना था। हाँ बट अगर सर, इफ रखते हैं तो फिर तीनों चेक करेगा, राइट? अगर ये फॉल्स होता है, हाँ अगर इफ इफ लिखते हैं तो तीनों चेक करेगा, है ना। इस केस में सर अगर ये फॉल्स होता है तो इसको चेक करेगा, और अगर ये जी, ट्रू हो जाता है तो इसको स्किप कर देगा, ओके ना। हाँ एनीवन ठीक है, लेट अस सी एन अदर प्रोग्राम। तो ये बहुत सिंपल सिंपल प्रोग्राम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नंबर पॉजिटिव यहाँ मैंने रेफरेंस दे दिया है आपको, ये वेब पेज का लिंक मैं क्लासरूम में अटैच कर दूंगा। तो इवन एंड ऑड वी हैव टू चेक समथिंग इज इवन और समथिंग इज ऑड। तो इवन एंड ऑड चेक कैसे करेंगे? सी, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है इट मींस द नंबर इज इवन, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर इज ऑड। सो व्हाई नॉट टू टेल यू इन डिटेल, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स से नहीं भी हैं तो उन्हें कोई इशू नहीं। तो इसके लिए मैं आपको लेट अस सी, ठीक है। देखो इफ द नंबर इज डिविजिबल, सो अगर कोई भी नंबर है 4 है 6 है 9 है, कैसे पता करेंगे कि 2 से डिविजिबल है? सो डिवाइड करते हैं इसको हम 2 से, क्या 2 2 4, नीचे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, है ना। सो दिस इज आवर रिमाइंडर, दिस इज क्वेश्चन। अब प्रोग्रामिंग में इसको कैसे पता करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं 9 को करके देखता हूँ तो 2 3 8 नहीं 4 8 एंड रिमाइंडर इज 1। कोई सा भी नंबर आप, कोई सा भी नंबर, एनी नंबर आप 32 33 ले लो, ठीक है। सो 2 1 2 1 3 6 तो या तो रिमाइंडर, जब कोई भी 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। 0 उस केस में आएगा जब नंबर जो है 2 से डिविजिबल हो, और 1 उस केस में आएगा जो नंबर इससे डिविजिबल नहीं है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर सर। टू एंड में ओनली एल्स लिखना कंपलसरी नहीं है, इफ कंडीशन एल्स इफ से भी एंड हो सकता है, ओनली इसे। हाँ, इफ से कोई जरूरत नहीं, एल्स का लिखना जरूरी नहीं, यू आर राइट। और धीरे धीरे जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो आप में एक्यूरेसी आ जाएगी, समझ में आ जाएगा कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। इसलिए मैं एक दो लेक्चर भी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू। चलिए तो अभी इसका देखेंगे। तो देखो दो ऑपरेटर है हमारे पास, एक डिविजन ऑपरेटर है और एक मॉड्यूलो ऑपरेटर। अगर मैं किसी भी नंबर ए को बी से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ क्या आएगा, एंड इफ आई एम पुटिंग मॉड्यूलो तो यहाँ क्या है। रिमेंबर, इससे करने से यहाँ हमें रिमाइंडर मिलेगा और ये ऑपरेटर लगाने से हमें क्वेश्चन मिलेगा। सो मीनिंग दिस इज आवर क्वेश्चन एंड व्हाट एवर वी विल डू दिस इज आवर रिमाइंडर। रिमेंबर, ये बात समझ में आ गई? कंफ्यूजन है तो पूछो। कभी भी किसी को डिवाइड करेंगे, अगर क्वेश्चन कहीं भी चाहिए तो ऐसा लिखेंगे ए डिवाइड बी, अगर रिमाइंडर चाहिए तो लिखेंगे ए मॉडुलो बी। ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, आपको ये पार्ट निकाल के दे देगा। एनी क्वेश्चन? यस सर क्लियर है। हाँ ठीक है चलो। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि समथिंग इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो हमें बस क्या करें, अगर हम रिमाइंडर चेक कर लें कि रिमाइंडर 0 है या 1 है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो डिविजिबल नहीं है उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और जो डिविजिबल है उसका रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 आएगा। एक और पर डिवाइड करके देख लेते हैं। सो
3 जा 6 0 सो इफ वी कैन से दैट अगर कोई सा भी नंबर मुझे दो अगर उसका मॉड्यूलो 2 से निकालने पे अगर वो 0 के बराबर हो जाता है इट मींस n इज डिविजिबल n इज डिविजिबल इट मींस n इज एन इवन नंबर है ना जो भी 2 से डिविजिबल होगा वो इवन नंबर होगा सो put it in a if block and say print and put an else block jo bhi ye condition false ho jayega that means ki wo 2 se divisible nahi hai so we could say meaning ki uska equal to 0 nahi aaya equal to 0 nahi aaya to kya aaya hoga 1 aaya hoga odd clear hai na मेरे हिसाब से सबका क्लियर होना चाहिए तो कोई सा भी नंबर दे दो छोड़ा कोई मर गया 5 लेते हैं मैंने कुछ नहीं बताया सिर्फ मुझे बताया लो कैसे मरा कैसे वो क्या हुआ ना जैसे ही पारो अपने पति के साथ कमरे में एनीवे आई जस्ट मेड इट तो अगर 5 हमारे पास सो इफ वी हैव 5 इन आवर हैंड So what we can check here, we can check that 5 modulo 2 equal to 0. ये क्या है? एक boolean expression है. मैंने बताया ना, ये boolean expression होता है. अच्छा, तो देखते हैं इसका value क्या आता है. तो 5 modulo 2 करके देखते हैं. जब हम लोग 5 modulo 2 करेंगे, meaning क्या? Divide करेंगे 2 2 4, यहाँ क्या आया? 1 आया. अब इसमें division नहीं ले सकता है. It means this is nothing but 1. So 1 equal to 0, है ना? 1 equal to 0 ये true होगा ना false होगा? This is false, है ना? तो ये condition क्या कर गया? False कर गया. False होने के case में क्या होगा? ये वाला execute होगा. Taking another example of 6. So 6 modulo 2 equal to 0 हमें check करना है. So let us divide 6 by 2. 2 3 जा 6, remainder is 0. So, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? 0 से रिप्लेस हो जाएगा. ये as it is ऐसे ही आ जाएगा और ये भी as it is ऐसे ही आ जाएगा. So 0 is equal to 0. We are checking. ये double equal to इसलिए होता है check compare करने के लिए कि दोनों बराबर है कि नहीं. That is true. True होने के केस में क्या होगा? अगर n equal to 6 है तो यहाँ n लिख रहा था n equal to 5 n equal to 6 तो उस केस में प्रिंट करेगा एट इज इवन. चलो इस प्रोग्राम को करके देखते हैं. So let us write this program. So we're wonderful copy because I have to write many things and that will kill our time. मैं इसमें से ना जो फालतू चीजें हैं उसे हटा दूंगा. Seven, toxic, और इसको मैं paste करता हूँ. ये सब मैं एडिशनल तो क्या किया एक नंबर डिक्लेयर किया है ना कोई सा भी नंबर n. अब इस यूजर को बोला नंबर एंटर करो. यूजर ने जब नंबर दे दिया ठीक है तो क्या चेक कर रहा है इफ नंबर इज मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा नंबर इज इवन क्लियर. एल्स क्या होना है एल्स नंबर इज ऑड. So, this is the straight forward problem. Clear? I hope things are clear to you. If you have any doubt, then you can enter. Here, I have entered 20387. What is the number? This is odd number, right? This is number is odd. Okay? I am again trying to run this program. I will enter now 2468. See, number is even. What is it? 2 4 6 8 को डिवाइड किया. डिवाइड करने से रिमाइंडर चेक किया. रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. डन. नंबर इज इवन. एनी डाउट? इफ नॉट देन टाइप यस. सर यहाँ एल्स की जगह एल्स इफ लिखे तो कौन सा कोई सा इशू नहीं है ना? यहाँ एल्स इफ लिखेंगे. क्यों लिखेंगे एल्स इफ? अगर मैं यहाँ पे लिख दू तो मुझे कंडीशन लिखना पड़ेगा ना. इस खाली तो नहीं जा सकता. इफ के पास कंडीशन और यहाँ क्या कंडीशन है?
मैं कंडीशन ऐसा दे सकता हूँ कि नंबर मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1, ये कंडीशन दे सकता हूँ। प्रोग्रामर के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि मिनिमल कोड लिखना है, तो ये अननेसेसरीली एक्स्ट्रा बर्डन हम अपने साथ चला रहे हैं, ये ठीक है ना। तो ये करने की जरूरत ही नहीं है हमारे पास, तो जब दो ही आउटपुट हो तो एक कंडीशन से काम चल जाएगा, कर सकते हैं अगर जरूरत नहीं है। ओके क्लियर है, क्लियर है मेतुल, माना, कृष्णा, गुड गुड, थैंक यू वेरी, ओके तेजवान, ओके जतिन, इज ओके। अभी मैं क्या समझू, जिसने नहीं टाइप किया उसको नहीं समझ में आया क्या? अरे हाँ ओके यस, हमारे पास अभी टाइम है ना, नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है कि वेदर चेक कैरेक्टर इज अल्फाबेट, कोई कैरेक्टर अल्फाबेट है या नहीं है। तो अल्फाबेट होने का क्या मतलब है कि वो कैरेक्टर या तो ए से बड़ा हो या जेड से छोटा हो, इसको समझो। मैं बताऊं क्या है कि कैरेक्टर का मतलब क्या, अल्फाबेट का मतलब क्या, that must in a range of a b c d dot dot till x y z, or वो क्या हो a b c d dot 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 x y and z। so अगर ये 26 + 26 इतने character हैं तो वो अल्फाबेट है, अदरवाइज नहीं है। यानी इफ के अंदर हमें ये चेक करना होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं क्या लिखूं, इफ इफ क्या क्या लिखे ताकि अब मैं बोले कि यस दिस इज एन अल्फाबेट, एल्स नो, ऐसा कुछ लिखना होगा हमें। सर बहुत लोग आपको चैट मैसेज सेंड नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज टेल देम टू रीजॉइन इट is showing that Sumendra is not in the meeting. Sorry, but मेरे हिसाब से session दिखा रहा है, chat दिखा रहा है, lecture screen हो गया है, lecture screen is 12 tell them to join. I don't know what's the problem. All right, sir. ठीक है, अगर किसी को इशू होगा ना मैं उसे बता दूंगा, बाद में बता दूंगा, नॉट एनीथिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं इस प्रोग्राम को, हम मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इसको क्या लिखेंगे। हमने पहले देखा हुआ है कि इसका ASCII कोड क्या होता है, 65 से स्टार्ट होता है, और इसका ASCII कोड क्या होता है, 97 से स्टार्ट होता है, ठीक है। So this is somewhere 96, if I'm not wrong. यहाँ से यहाँ तक कैसा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एंटर ए कैरेक्टर, आप एक कैरेक्टर एंटर करो, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर क्या करता है इसको इसमें चेंज करके देखता है ना। तो वॉट कैन आई से कि अगर कोई भी चीज आपने जो भी कैरेक्टर दिया हुआ है वो कैरेक्टर, सपोज सी एच इज दैट कैरेक्टर, इफ दैट कैरेक्टर इज लेस देन or equal to z and greater than or equal to a, then that is a valid character. तो इसको मैं दो पार्ट में तोड़ना पड़ता है actually condition check करने के लिए, a is less than equal to that character and character is sorry correct, और इसको मैं अगर ऐसे बोलूँ तो that character is greater or equal a and that character is less or equal z. सिमिलरली दूसरे कैसे बोल सकते हो, कैरेक्टर इज ग्रेटर इक्वल स्मॉल ए एंड कैरेक्टर इज स्मॉल लेसर इक्वल स्मॉल जेड जी।
अगर ये दो कंडीशन मैं चेक कर लिया, अगर इसके रेंज में है तो या तो इसके रेंज में हो और इसके रेंज में हो, ये दो चीज चेक करना होगा ध्यान दो। If we have character, we can check if character is greater equal A and character is lesser equal जो हमारा capital G है, ये एक condition हो सकता है। दूसरा condition हो सकता है कि if character is greater equal small A and that character is lesser equal small G। लेकिन इसमें जब हम इस condition को check करेंगे तो either ये true हो गया तब भी सही है और ये true हो गया तब भी सही है, यानी अगर कैपिटल ए एंटर किया ये कैपिटल बी एंटर किया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तब भी हमें बोलना है कि यस कैरेक्टर इज रियल। कैप स्मॉल बी दिया तब भी हमें बोलना है कि यस दिस रियल। तो इस कंडीशन में से आइदर और, या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, मीनिंग इस बीच में क्या होगा और होगा। और होने के लिए कैसे लिखते हैं, ये डबल बार लिखते हैं और के लिए, ठीक है, बार का सिंबल यूज करते हैं। अगर यहाँ पे डॉलर साइन देगा तो डॉलर साइन का क्या होगा, उसका जो ASCII वैल्यू होगा, उसका जो इक्विवेलेंट बाइनरी होगा वो इस रेंज में नहीं आएगा। हमने ASCII के चैप्टर्स में देखा था, ठीक है, एक प्रोग्राम देखते हैं, इसमें कुछ डाउट हो सकता है, इसको मैं देखूंगा आपके अलग से। तो सॉरी आ गया, हां मैं इसको कॉपी करता हूं जैसे, और ये नया फाइल लेके 5 मिनट सेव प्रोग्राम 8.सी, ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या कर रहा, जस्ट लुक एट वंस फिर मैं बता रहा हूँ, आप एक बार देख लो इसमें कैसा है। this character, जब character को लिखते हैं तो single quote को लिखते हैं, and less than this character, ये condition है। दूसरा condition क्या है, ये if that character is greater than this or this than this, और either or, either ये true हो जाए या ये true हो जाए। देखो and लिखने का मतलब क्या है, that must, ये दोनों ही condition true होना चाहिए, यानी जो भी character। हाँ सर। सर यहाँ पर डबल एंटर साइन क्यों है? ये नहीं नहीं एंड वाला, अच्छा ये एक्चुअली जब ऐसे कॉपी पर ड्रॉ करते हैं लिखते हैं, लेकिन हमें डबल एंड ही लिखना होता है एंड कंडीशन को चेक करने के लिए, और यहाँ पे डबल बार ही यूज करना पड़ता है और कंडीशन को चेक करने के लिए। ओके सर, सर जनरल कर सकते हैं। मैं देखो पहले स्टीचिंग उठते हैं, देखते हैं इस पार्ट आउटपुट क्या आता है। मैं एंटर करता हूं डी कैपिटल डी, सो क्या बोल रहा है, कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट, करेक्ट। अभी मैं कोई सिंबल एंटर करता हूं, सपोज आई एम टाइपिंग हैश, सो क्या होगा, हैश यहां पे आएगा, हैश किस में आएगा, सीएच में आएगा। सीएच में आने के बाद हैश इज ना तो इससे बड़ा है ना इससे छोटा है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, इसमें जाएगा ना तो हैश का जो ASCII वैल्यू है इसके अंदर आता है ना इसके अंदर आता है, इससे भी हो जाएगा, यानी इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होने के केस में एल्स एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा तो कैरेक्टर इज नॉट एन अल्फा, ठीक है। सो दिस इज क्या चैट आ रहा है, कहाँ ऑप्शन आता है, जूम में कहीं आता है, मैं चेक करूंगा ऑडियो सेटिंग जूम, ओके
बट आई विल चेक सर, कल आपने बताया था कि एंड के लिए थैंक यू वेरी, आई विल चेक इट एंड विल हां बोलो मैं कल आपने बताया था कि एंड के लिए एक ही वो सिंबल यूज होगा एंड वाला और के लिए वो एक ही वो बार यूज होगा और अभी दो दो यूज हो मतलब ए से ये वाला सही है कि जो कल बताया था वो सही है नहीं मतलब वो हम वी आर राइटिंग ऑन पेपर सो वी आर सेइंग कि वी हैव टू यूज एंड वी हैव टू यूज और तो मैं आपको कन्वेंशन बता रहा था आपको अगर परफेक्ट प्रोग्रामिंग लिखना है तो यू शुड यूज दिस काइंड ऑफ कन्वेंशन ठीक है अभी देखो एंड में क्या है ना कि अभी जब हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर करेंगे वहां भी इसमें कुछ डिफरेंस आया आप गौर करो यहाँ पे भी सेम सिंबल यूज कर रहा है यहाँ भी सेम सिंबल यूज कर रहा है और यही सिंबल और भी जगह पे हम लोग यूज करेंगे ठीक है सो दैट्स व्हाई देयर आर सम सिस्टमैटिक कंसर्न्स और जब जब हम बिटवाइज में जाएंगे तो वहां भी हम इसको यूज करेंगे हम जब एरे पॉइंटर यूज करेंगे तो वहां तो हर स्टेप्स में इसका यूज होगा That we will see. यहाँ पे unity की तरफ behave कर रहा है, यहाँ ये binary की तरफ behave कर रहा है. That's the only difference. We will see it. Okay. Sir, you can explain ASCII once again. Some other time I understood the binary words, but it's a difficult question. ठीक है, ASCII में बता दूँगा. This one, not ASCII. वैसे एक one line answer आपका ये होगा कि ASCII एक fixed code है. Fixed code. मतलब जैसे आपका roll number है ना, आपके नाम से fix कर दिया गया है. वो किसी को नहीं दिया वैसे ही हर कैरेक्टर को एक फिक्स कोड दे दिया गया है उससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है ना एक क्लास में दो सेम नाम के बच्चे हो सकते हैं लेकिन सेम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक कैपिटल ए है एक स्मॉल ए है सो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन सो बोथ हैव डिफरेंट ASCII कोड ठीक है ऐसा ही जितना सिंबल अपने पास सबका एक इक्विवेलेंट ASCII कोड बनाया गया है